कबड्डी 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 यही तो आखिरी बच्चा है, देखते क्या करता है। उसके पास एक मैजिक मंत्र है। मतलब देखो इंदु 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 I didn't do anything. Oh my God. Please, मेरी बात सुनो. Get lost. मैंने कुछ नहीं किया. मेरी बात सुनो. Get out of my life. यहाँ पे साइन करिए मैडम. माँ, माँ रो मत प्लीज. Thank you.
ऑन धोनी, सिक्स मार, सिक्स मार, सिक्स मार, कम ऑन, ये गया हेलीकॉप्टर सिक्स। मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगा, चल चल जल्दी निकाल, हजार दे दूंगा यार, धोनी बहुत जल्दी आउट हो गया। तेरे ऊपर अब मेरे 6,000 रुपए हो गए। दे दूंगा यार, आ मेरा फेवरेट रैना आ गया और इधर तेरा बेटा आ गया। अश्विन माय सन वेलकम, क्या तुम सच में बदल गए हो या जेल से भागे हो? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो भाग जाऊं, मैं एक लवर हूँ। बड़े आए महान लवर बनने, तुम्हारे पीछे 4,00,000 रुपए खर्च किए इंजीनियरिंग की सीट के लिए और तुमने इंदू इंदू कह के मेरी मेहनत का सारा पैसा पानी में फेर दिया और हमसे पुलिस के, कोर्ट के और जेल के चक्कर लगवाए। बहुत हुआ, बेटा अभी अभी घर आया है, उसे पहले आराम करने दो, जाओ बेटा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जेल से छुटकर नहीं आया बल्कि पार्टी करके आ रहा है। अब मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आता हूँ। सब कुछ बेच के यहाँ आया हूँ मैं, जब तक मैं सुपरस्टार नहीं बन जाता ना तब तक मैं वहाँ वापस नहीं आने वाला हूँ। हे हे लड़के, किससे मिलना है तुझे? आपने नया ज्वाइन किया है क्या? मैं तो यहाँ कई सालों से हूँ लेकिन तुझे पहली बार देख रहा हूँ। मैं जवान मैडम से मिलना है। जवान मैडम? हाँ। अरे मैं यहाँ आंटियाँ देख देख के पक चुका हूँ। आंटियाँ रहती है पर यहाँ तो इंदू रहती थी। जितना मैं जानता हूँ इस एरिया में इंदू नाम की कोई लड़की नहीं है। ये सुरेंद्र अंकल का घर नहीं है? ये घर मिस्टर जैन ने ले लिया है। अब तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा, मालिक ने देख लिया तो नौकरी से निकाल देगा, तू जाना। पास आना हमको इश्क का रोग लगा, सुन लो दिल से दिल की बात जाना। तू चांद सी हंसी, तेरे सिवा नहीं दूसरा कोई, पढ़ तू प्यार से जो लिखा नहीं कागजों पे है। मेरी जान मैं दीवाना हूँ तेरा, शुक्रिया दिल का हाल सुन लिया, प्रेम का सच्चा रिश्ता जुड़ गया, बिन तेरे जान मर ही जाऊंगा। तुझको ये इश्क का जुनून भी है क्या, मुझसे दूर रह के जाने जाना, तुझे चैन भी सुकून भी है क्या, ये दूरियां मुझे जीने ना दे, मैं बता क्या करूं, ये
तन्हाइयां दर्द जिगर किस तरह सहूं दिल मेरा ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः थी मेरी मुझे बता प्रेम का सच्चा ये पवित्र जल हनुमान जी की मूर्ति पर छिड़क कराओ 108 बार पूरा होना चाहिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी तथा जी पंडित जी 106 107 ये हो गया 108 हनुमान जी आप तो मेरे लिए कुछ करो प्लीज इंदु को मुझसे मिलवा दो प्लीज मैं रोज आपकी मूर्ति की पूजा करूंगा मिन्नते करूं तेरे लिए दिल हर घड़ी दुआएं मांगता चाहूंगा तुझे मैं जन्म जन्म तुझसे अब तो ये ही वादा है मेरा तू मुस्कुराए तो दिल की धड़कने चले मेरी जान मैं दीवाना हूँ तेरा शुक्रिया दिल का हाल सुन लिया प्रेम का सच्चा रिश्ता जुड़ गया बिन तेरे जान मर ही जाऊंगा प्रिया को ढूंढने के लिए हर दरवाजा खटखटाया लेकिन वो कहीं नहीं मिली जहां देखूं बस प्रिया ही दिखती है लेकिन प्रिया कहीं मिलती ही नहीं है मां मुझे सच में नहीं पता मेरी जिंदगी का क्या होगा मां कॉफी दो मां अश्विन इधर आ क्या हुआ मां आना बैठ बैठ ना मैं देख रही हूँ तू सुबह चले जाता है सीधा शाम को लौटता है कभी घर पर भी रहा करना घर पर रहेगा तो इंदु को कैसे ढूंढेगा इसीलिए गली गली की खाक छान रहा है क्या ये सच है नहीं ये सच नहीं है मां मुझसे झूठ मत बोलना देखो ये टीवी सीरियल का हीरो भी लगातार अपने लवर को ढूंढ रहा है तुम्हारी तरह अगर लड़की को नहीं ढूंढ पाया तो आत्महत्या करेगा क्या क्लाइमेक्स अगले हफ्ते है बट आई एम श्योर वो लवर कभी नहीं मिलेंगे माँ दोनों मिलेंगे नहीं तो लव स्टोरी कैसी वो दोनों जरूर मिलेंगे आप देखना वो नहीं मिलेंगे जरूर मिलेंगे माँ मैं इस सीरियल के डायरेक्टर को जानती हूँ वो ऐसी स्टोरी बनाता है लवर्स हमेशा मिलते हैं नहीं मिलेंगे तो इस बात पर बैट लगाते हैं सीरियल में लवर्स नहीं मिलेंगे मैं 1000 की बैट लगाता हूँ मैं भी यही कहता हूँ वो दोनों नहीं मिलेंगे मैं बैट नहीं लगाऊंगी लेकिन मेरी राय वही जब हम सब एक तरफ हैं तो अपोजिट में कौन है मैं हूँ तुम यस आई बेट लवर्स दोबारा एक हो जाएंगे तुम जीते तो मैं 10,000 दूंगा और अगर हार गए तो आप बताओ अगर तुम हारे तो तुम्हें इंदु को भूलना होगा तुम ये रिंग मुझे दोगे जो तुम्हें इंदु ने दी थी लगता है इससे जवाब नहीं सूझ रहा बैटिंग कैंसिल कर दें क्या हाँ ठीक है वो नहीं रुकिए द बैट इज ऑन आई एम रेडी मां ये तो जबरदस्ती खड्डे में कूद रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है चिच 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 अरे क्या कर रहे हो यार टॉयलेट में चले जाओ ना नहीं बे जब 1000वां एपिसोड हो जाएगा तो मैं इसमें एक बहुत ज्यादा थ्रिलर डालना चाहता हूं इसलिए मैं दिमाग पर जोर डाल रहा हूं ओफो इतने सारे एपिसोड्स में तू कुछ कर नहीं पाए तो लास्ट एपिसोड में क्या उखाड़ लोगे गुरुजी कुछ नया मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगी मैं कोई आईडिया बताऊं चल बता अभी ध्यान से देखो कैमरे को वाइड डायरेक्टर मैं हूं साई हीरो और हीरोइन एक दूसरे की आंखों में ऐसे डूब जाएंगे ये तो गंदी बात है साई तू मेरा असिस्टेंट है तुझे पता नहीं किस कैसे करते हैं ऐसे ही ना साई तुमको मैंने क्या समझा था और तुम क्या निकले मैं ऐसे टाइप का नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ वो तो कभी कभी मूड होता है तो मैं लो एंगल में कैमरा सेट करूंगा हीरो को टॉप एंगल के नीचे की तरफ दिखाएंगे जब उसके सर पर चोट लगेगी उसकी खोपड़ी टूट जाएगी फिर क्लाइमेक्स होगा और इस साल का सबसे बड़ा सीरियल का हिट डायरेक्टर मैं बनूंगा साई सीरियल डायरेक्टर हो या सीरियल किलर हो ये बहुत घटिया डायरेक्टर है इसने हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है कहा था 50 एपिसोड है 1000 करवा लिया इसने मेरी भी यही परेशानी है कंटिन्यूटी के नाम पर इसने 400 एपिसोड में भी यही ड्रेस पहनवाई मेरे घर वाले मुझे घर में अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझसे बदबू आती है चिंता मत करो मैं तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ टच करने का हक डायरेक्टर का तेरी मां की हक जो भी मेरे सेट पे छेड़खानी करेगा उसके सर पे माला चढ़ा दो तुम कौन हो यहाँ पर कैसे आके बैठे प्रेसिडेंट हूँ नाला सुपर आके तुम्हारे फैंस का मेरे फैंस के यस स्टेट वाइड चिल्का फैन एसोसिएशन विच स्टेट टू स्टेट्स
एपी तेलंगाना दोनों ही अलग स्टेट्स हैं। माँ अपने बेटे की तरक्की देखी तूने, दोनों स्टेट्स में मेरा ही दबदबा चालू है। है कोई मेरे टक्कर का डायरेक्टर? ए स्पॉट बॉय, जल्दी से सर के लिए भाग कर ठंडा ले आओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हर सीरियल में हीरो हीरोइन को अलग कर देते हैं, आप इतनी सैड एंडिंग क्यों बनाते हैं सर? वो मेरा सीक्रेट है, तुम मेरे फैन हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। औरत जो है ना, जरा कुछ बोल दो वो आंसू बहाने शुरू कर देती है, फिर हम उसे मनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। सोना, मोना, बाबू, चाहे गलती उनकी कितनी भी बड़ी हो, माफी हम मर्द जात को ही मांगनी पड़ती है। मेरे सीरियल और डायरेक्शन के जरिए मैं उन औरतों को तड़प तड़प कर रुलाना चाहता हूँ भाई। सर इस सीरियल में भी आप फिर खत्म कर दूंगा, हीरो हीरोइन दोनों को खलास कर दूंगा। सर प्लीज सर, इस सीरियल में हीरो हीरोइन को मिला दो ना सर, प्लीज। नामुमकिन, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे डायरेक्शन में हीरो हीरोइन कभी नहीं मिल सकते, वो चाहे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन। ये आपके फैंस की डिमांड है। इम्पॉसिबल, फैंस सुधर जाएंगे। मैं हूँ सीरियल का शेर, इस टीवी का लेजेंड डायरेक्टर। तुमने मेरे बारे में विकिपीडिया में नहीं पढ़ा? बहुत अच्छे से। मेरे पहले के हिट सीरियल में मैंने हीरोइन को फैंस से लटका दिया, वो देखकर हीरो भी लुढ़क गया। कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने लगी, और पता है उसके बाद क्या हुआ? उस सीरियल के हीरोइन से मैंने शादी कर ली। लेकिन अब मैं इस कहानी में कुछ नया करना चाहता हूँ, इसलिए रात दिन मैं हीरो हीरोइन को मारने का कुछ नया तरीका सोचते रहता हूँ। पता है ब्रो, स्टीवन स्पीलबर्ग और मेरे डायरेक्शन के ऊपर कभी कोई शक नहीं करते। कोई शक? वैसे अगले हफ्ते आपका बर्थडे है। हाँ। हमारे स्टेट में, मतलब दोनों स्टेट में आपका बर्थडे दोनों जगह मनाएंगे। तुम्हारा प्लान क्या है? चलिए ना अंदर चलते हैं। यहां क्या तकलीफ है? बहुत तेज धूप है, आप काले हो जाएंगे। इतने फेमस प्रभु काले, तुमने मुझे एक अच्छा फैन दिला, इसलिए मैं हर सुबह उठकर एक्शन एक्शन बोलूंगा। चलियो आ रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? लवर्स को अलग करेगा? नहीं, उन दोनों को जान से मारेगा। अरे उनको छोड़, लेकिन तू है कौन, मुझे क्यों मार रहा है? मैं अश्विन हूँ। कहाँ से आया भाई? जेल से छूट के आया हूँ। तुम जेल क्यों गए थे भाई? प्यार के लिए। ए, तू क्लाइमेक्स चेंज करेगा या नहीं? ये डायरेक्टर की जबान है, नहीं बदलूंगा मैं। फिर तुझे मार के मैं दोबारा जेल चला जाऊंगा। ओके नूनू, मैं चलता हूँ। भाई टेंशन मत लो, स्टोरी चेंज हो जाएगा। हेलो मैम, कोई क्रीटी नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। हे नीरू, कम कम कम, सिट सिट, कैसी हो? I'm okay, how are you? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो रोज जिम भी जा रहा हूँ, देखो मेरा वेट कितना कम हो गया। ऐसा लग रहा है तुम्हारी हाइट कम हो गई। अच्छे जोक मार लेती हो, तो आजकल क्या चल रहा है? I'm busy right now. क्या काम है जल्दी बोलो। तुम्हारे पापा मेरे डैड से मिले कुछ दिन पहले और हमारी शादी के बारे में बात की। जैसा कि तुम जानती हो कि मुझे ब्रांडेड चीजें पसंद आती हैं, तो पैसे और स्टेटस पर ध्यान देने के बजाय मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जिसका अफेयर ना हो। तो तुमसे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इसमें क्या है? दिस इज बल्गारी वॉच, 2.5 लाख, तुम्हारी सैलरी से 5 गुना ज्यादा है। आई कांट एक्सेप्ट दिस। यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी मिसेस क्रिटी। आज से आदत डाल लो। सुनो क्रिटी, मेरा ऑफिस बहुत स्ट्रिक्ट है, सो प्लीज अभी तुम्हें जाना चाहिए। देखे ऐसे ऑफिस, शादी के बाद 50,000 कमाने के लिए तुम्हें यहाँ 30 दिन काम नहीं करना होगा। मैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जॉब करती हूँ, ताकि अपना सपोर्ट खुद करूँ। ओ, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? क्या तुम अपनी सस्ती बाइक से जाते हुए गिर गई? हाँ, बैड जोक। एक्चुअली मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है। तुम्हारा किसी भी चीज का सेंस अच्छा नहीं है। सॉरी, इस वॉच के लिए दूसरा हाथ ढूंढ। गुड बाय। नीरू, वेट, नीरू, नीरू। ये क्या माँ, मैंने कहा था अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, तो फिर किरीटी को मेरे ऑफिस का एड्रेस क्यों दिया? मुझे मत बोल, जो कहना है अपने पापा से कह। मेरी बात तो सुनो माँ। हेलो 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 माँ। ये यहाँ कैसे आ गया? आवारा कहीं का। मैंने तो सीधे अप्पू को जाके आई लव यू बोल दिया। रो, एक लड़का कब से मेरा पीछा कर रहा है? कौन है, कहाँ है वो? वो रहा, वो रहा। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? हाँ, लड़की को क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं फॉलो कर रहा हूँ किस लड़की को? नीरजा को। तुम? ए, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ओ हेलो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, इसीलिए मेरा पीछा कर रही हो। ए भाई, कौन है तू?
और क्या काम है यहाँ पर? तुझे किसने बुलाया? अप्पू, I mean अपर्णा। अपर्णा? अप्पू? अप्पू? क्या चेतू? क्या तुम इसे जानती हो? हाय। हे अश्विन, तुम? मैं ही हूँ। I'm shocked, लेकिन तुम यहाँ कैसे? इसका मतलब तुम बिन बुलाए मेहमान? ये ऐसा कलाकार है जो अमेरिका भी जा सकता है बिना वीजा के। ये पूल पार्टी लग रही है, मैं अपने फ्रेंड से मिल के आता हूँ। Hey नीरजा, enjoy the party, I'll come. ऐसे कैसे? I know, just forget it, ignore it. कैसे हो तुम अश्विन? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। और बताओ इंदु कैसी है? तुम्हारी तो शादी भी हो गई होगी और बच्चे भी। क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो। All the best for your wedding. Bye. Hey, क्या हुआ अचानक तुम्हें? मुझे लगा तुम्हें इंदु के बारे में कुछ पता होगा, पर कोई बात नहीं, बाय। पार्टी तो करके जाओ। ए अश्विन, अता पता ला पता इंदु का पता मेरे पास है। तू जानता है? या सीनू तू? हाँ। तूने कहा तू जानता है इंदु कहाँ है, तूने कहा जब तक हम पिएंगे नहीं तू नहीं बताएगा। अब मैं और ज्यादा नहीं पी सकता यार। खुद पीने में तो मजा आता है, लेकिन अपने साथ साथ किसी और को पिलाने में और ज्यादा मजा आता है। एक पैक पी ले। बता देना यार इंदु कहाँ है प्लीज। क्या करेगा अगर मैं बता दूं तो? मैं जाकर उसे ढूंढूंगा। अबे सुबह तक वेट कर ले। मैंने उसके साथ टाइम पास तो किया नहीं था जो मैं वेट नहीं करूंगा। मैं उसे सच में प्यार करता हूँ यार। लगता है ज्यादा चढ़ गई है, कहीं से म्यूजिक सुनाई दे रहा है। ए वहां देख। हे चलना चल के डांस करते हैं यार। सीनू अब इतना पीने के बाद हम कैसे नाचेंगे? बिना पिए नाचेंगे तो पसीना निकलेगा, और पी के नाचेंगे तो मनोरंजन और मनोरंजन, बस मनोरंजन ही होगा। कैसे जाएगा? पोकर का जो दारू और चिकन मिला है। What nonsense he is doing? शाबाश मेरे बब्बर शेर, शाबाश। तू तो सनी देओल से भी मस्त डांस करता है बे। देख के दिल की धड़कन रुक गई। थैंक यू भाई, प्लीज अब तो बता दे इंदु कहाँ है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। जरा अच्छी तरह से जोड़, अच्छे से। अच्छा, तेरे कहने से पहले सिर झुका लेता हूँ बस। मैंने अपना पतला ले लिया। याद है कॉलेज में जब फेयरवेल दिन था तो तूने मुझे कितनी पिला दी थी और मेरा वीडियो बनाया था, तुझे लगा मैं भूल जाऊंगा? और इंदु? इंदु बिंदु मुझे नहीं पता, ये सब तो सीनू का बदला था। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। सीनू, आज तक किसी ने तेरे सर पे बॉटल मारी है? किसकी हिम्मत है? मेरी। अरे अब क्या तू मुझे मारेगा? अरे मत मार यार, वैसे भी शराब वाला खून है, क्या करेगा भाग के? रुक जा, मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ दे, सेटलमेंट कर लेते हैं। अरे कोई बचा, तेरी क्या करूं, पानी में कुछ जा। ये लो, गई भैंस पानी में। क्यों? अरे रे, क्या करके आया? कुछ नहीं हुआ माँ। कैसे कुछ नहीं हुआ, देख गाल पर लाल निशान है। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। तू किसी से लड़के आया है? किसी का पॉकेट मारा? सीरियल के लवर्स मिल चुके हैं तो पापा के बटुए से मैंने बेड का पैसा चुरा लिया। ये ठीक नहीं है, ये सब सीरियल के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। ये सब कुछ नहीं, बैट बैट होती है। आपने बैट लगाई और आप हार गए। यू लूज द बैट। बी अ मैन डैड, कम ऑन। क्या है सिरी, मैंने तुम पर भरोसा किया और बैट हार गया? मुझे लगा ये बैट हार जाएगा तो इंदु को भूल जाएगा, लेकिन सीरियल का स्टोरी कैसे चेंज हो गया? बेल बेल बेल, सुर तो पकड़ लिया, अब टेम्पो के साथ बेल बजाओ। डिंग 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 डिंग। वाओ मैडम, व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस यू हैव। मेरे सीरियल में नौकरानी का रोल आप पर बेहद जचेगा, साइन करें। निकल यहां से, चाय में शक्कर ज्यादा है। क्या रे, अपने देश में मेरे जैसे महान डायरेक्टर की इज्जत है कि नहीं? जब आपका फेस ही इतना गंदा है तो कौन इज्जत देगा? देखो वो क्या है ना, जब किसी जूनियर या सीनियर आर्टिस्ट से मिलो तो उसे तमीज से पेश आना चाहिए ना। अच्छा, एटीट्यूड प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बोले आप, फिर से ट्राई करूं? हां।
आर्टिस्ट। हेलो सर, हाउ डू यू डू? वेरी फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। आई एम सीरियल सिंगम डायरेक्टर, और स्पीलबर्ग के बाद मेरा ही नाम आता है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। मुंह पे भी बताओ मेरे बारे में। सनम बेवफा सीरियल पता है? तो उसी सीरियल के ये डायरेक्टर है। सब कहते हो तुम ट्रेजेडी बनाते हो, तो हैप्पी एंडिंग क्यों किया? क्या करूं, स्पीलबर्ग ने स्टोरी चेंज कर दिया। मतलब फिक्सिंग? वैसा ही कुछ सब। मैच फिक्सिंग की वजह से कितने गैम्बलर सफर कर रहे हैं? निकालो मेरे 10,000 रुपए। 10,000? यहाँ पे वड़ा पाव खाने के वाले। अरे क्यों बार बार मार खा रहे हो? सर गले में चेन है ना, ये आप छीन लीजिए। इन्होंने भी किसी स्ट्रगलर की छीनी थी। ओके ओके, थैंक यू। अगर मैं बेल नहीं बजाता तो मेरा चेन नहीं जाता। स्ट्रगलर की छीन लेना। आप रो मत जी। हे अश्विन, तुम यहाँ पर हो? एक्चुअली मैं तुमसे ही मिलने आया था। क्लाइमेक्स चेंज किया, थैंक यू वेरी मच। क्लाइमेक्स छोड़ो मेरे भाई, मैं तो तुम्हारी जिंदगी का शक्ल ही बदल दूंगा। हाँ कैसे रे? मेरी अगली सीरियल तुम्हारी लव स्टोरी पर बनेगी। जब तुम मुझे धो रहे थे ना, तुम्हारा इमोशंस पढ़ लिया। प्यार के लिए तुम जेल गए, यही तुम्हारा कैरेक्टर है। तुम्हारे लव स्टोरी को मैं एक एपिक लव स्टोरी में बदल के रहूंगा। अगर बाहुबली के बाद कुछ हिट होगा तो यही एपिक लव स्टोरी हिट होगा। लोगों की धड़कने धक धक। डायरेक्टर कट, इंदु को अच्छा नहीं लगेगा, स्टोरी चेंज कर। हीरोइन का नाम इंदु है, तुम ये लिख लेना। टेंशन मत लो, तुम्हें एक दिन के 1,00,000 रुपए मिलेंगे, तो कम से कम 30 दिन जाएगा। कितना? 30,00,000 रुपए हो गए। मंजूर है? अरे कितना पैसा मिलेगा पहले ये सोचो। नेक्स्ट एवेंजर्स के हीरो तुम ही रहोगे। हम सीन ओपन करते हैं। इंदु के बदन पे 2 लीटर एसिड तुम ही फेंकते हो, बच जाती है। 1 लीटर पेट्रोल फेंकते हैं, बच जाती है। 1 लीटर डीजल फेंकते हैं, बच जाती है। उसके बाद सब मिलाकर फेंकती है, मर जाती है। तू लव स्टोरी को क्राइम पेट्रोल बनाएगा? हाँ चैनल बंद करवा दूंगा। समझाना मैं क्या कह रहा हूँ? इंदु के बारे में गलत स्क्रीन पे दिखाया ना, तो तेरी तो बोटी काट के कुत्तों को खिलाओगे, लेकिन वो भी मुंह फेर। आज से डायरेक्शन मैं करूंगा, जा। क्यों सर आप बार बार मार खाते हो? सारे घर के लोग आपको मार के चले गए। छोड़िए सर, दूसरा कुछ सोच। मैं अभी इसी वक्त प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं उसको फॉलो करूंगा, उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, उसकी स्टोरी पर बायोपिक बनाकर ही रहूंगा, और आने वाली जनरेशन मेरे बारे में इतिहास के मोटे पन्ने पे पड़ेगी। फॉलो मी। गाड़ी घुमा लेना, थोड़ी देर में हम वापस निकलेंगे। अच्छा नहीं किया तुमने। किरीटी तुमसे ऑफिस में मिलने आया था, उसके इंसल्ट करके तुम वहाँ से चले गए। ऐसा क्यों किया? मैं उसे पसंद नहीं करती पापा। चुप रहो, तुम्हें किरीटी पसंद क्यों नहीं है? वो पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, तुम्हें भी पसंद करता है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों भेजता उसे? पापा मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे जॉब के लिए अमेरिका से ऑफर आया है, और मुझे अपनी मास्टर डिग्री भी करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है मैं एक लड़की को इतनी दूर अकेले जाने दूंगा? लड़कियां तो अब चांद पर भी जा चुकी हैं पापा। एक बार जरा गांव आकर देखो, तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां शादी कर चुकी हैं अब तक। तुमने कहा पढ़ाई करोगी, जॉब करोगी और शहर में रहोगी, अब तुम अमेरिका जाना चाहती हो? बेकार की बातें निकाल दो दिमाग से और अपने बाप की बात मानना सीखो। समझ में आया? हाय अंकल। हाँ प्रिया, कैसी हो बेटा? या अंकल, आई एम फाइन। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना? हाँ अंकल, पर उन्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, मैट्रिमोनियल पर एड भी डाला है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय अंकल। बाय। देखा, तुम्हारी दोस्त ने शादी के लिए ऐड तक डाल दिया है और तुम उसे रिजेक्ट करी जो खुद तुम्हारे लिए आया था। आजकल अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो जैसा कह रहा हूँ सिर्फ वैसा ही करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अश्विन। थैंक यू। ये रहा तुम्हारा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। मेरे करियर में जेल में रहकर इंजीनियरिंग पास करने वाले तुम पहले स्टूडेंट हो, अपने जुनून को ऐसे ही रखना। आई विल सर। अश्विन, मेरे ख्याल से प्यार पर ध्यान देने की बजाय करियर पर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, सेटल हो जाओगे। सर मैंने इंजीनियरिंग उसकी खातिर पास की, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हे हिंदु। हाय। हे वेट, हे रुको। हे अश्विन, आई डिड इट, 95% मार्क्स। तो अब क्या मास्टर्स के लिए तुम दिल्ली जाओगी? या दिल्ली यूनिवर्सिटी, द बेस्ट प्लेस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं बहुत एक्साइटेड। लेकिन इंदु, अगर तुम चली गई तो मैं फ्रस्ट्रेशन से मर जाऊंगा। कोई आसपास का कॉलेज ढूंढ लो ना प्लीज यार। कॉलेज की दुनिया बहुत ही छोटी है, यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है। अब मैं वो दुनिया देखना चाहती हूँ। इंदु मेरी दुनिया ही तुम हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। मैं 2 साल कैसे बिताऊंगा तुम ही बोलो। मौन अश्विन। इंदु ये बताओ, तुम्हारे बिना मैं यहाँ करूँगा क्या? एग्जाम दो और सब्जेक्ट्स क्लियर करो, तब तक मेरा पीजी भी हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे हे डिंपल, इंदु को बोलो ना मुझे छोड़ कर ना जाए, प्लीज प्लीज समझाओ इसे। मुझे नहीं इसे। हाँ? ये क्या है, तुम एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। तुम्हारी वजह से वो अपना करियर क्यों खराब करेगी? इसके लिए तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं। ए चल यार, ये नहीं सुधरेगा। डिंपल कमीनी, डिंपल कमीनी। डिंपल, डिंपल। Huh?
हेलो, कैसी है कमीनी? सब कुछ पता चला तेरे बारे में, लंदन में पति के साथ ऐश कर रही है ना? ये अश्विन, क्या तू भी? तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। यू कमीने, ये बता कमीनी, इंदु कहाँ रह रही है? मुझे क्या पता। हाँ, तू तो ये चाहती कि शादी के मजे सिर्फ तू ही ले और कोई नहीं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी कुछ सपना है, बताना कमीनी। मैं सच में नहीं जानती, और जानती भी होती तो नहीं बताती। बता दूँ ना तो तुम वहाँ जाकर लफड़ा करोगी। ए, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? हैदराबाद से मम्मी का फोन है। हाँ, अपने पति से झूठ, सती सावित्री बन रही है। चुपचाप इंदु का एड्रेस दे दे, वरना तेरे हस्बैंड का नंबर ईमेल सब है मेरे पास, उसे सीधे वीडियो कॉल करूंगा और तेरी सारी पोल खोल दूंगा। अरे कमीने, जानती हूँ तो इंदु के लिए कुछ भी कर सकता है। एड्रेस देती हूँ पर उसे मत बताना। मैं किसी आदमी के नेचर की परवाह नहीं करता। स्टेचर, स्टेचर इज इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू से मिस्टर नायडू? यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, इनका ध्यान रखना। ओके। ए, रुक जाओ। किधर जा रहे हो? मुझे इंदु से मिलना है। कौन है तुम? अरे इंदु मुझे जानती है। बाकी सब कैसा चल रहा है? अश्विन आया है। कहाँ? वहाँ देखो, वो रहा। चलो बाहर जाने दो। बोला ना बाहर जाओ। चलो निकल जाओ। तो अंदर जा रहे हो? वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। चलो बाहर जाओ। चलो बाहर। अश्विन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंकल, मुझे बस एक बार इंदु से मिलने दीजिए। इंदु यहाँ नहीं है। अंकल मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी इंदु यही है। अगर वो है भी तो तुझसे मिलने नहीं दूंगा। जस्ट गेट आउट। प्लीज अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ, प्लीज मेरी बात। नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग। तुम जेल जाने के बाद भी नहीं बदले। आपके बेटे अश्विन के खिलाफ इंदु के पिता ने कंप्लेन लिखवाई है। अच्छा हुआ कि लड़की अमेरिका में है। अगली बार ऐसा हुआ तो हम इसे अरेस्ट कर लेंगे। एक बार पहले भी तुम लड़की के लिए जेल जा चुके हो, इस बार जेल गए तो 6 साल की सजा होगी। सर, मैं नहीं जानता कि मेरा बेटा इतना नालायक है। मन कर रहा है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। शांत हो जाइए सर, प्लीज। दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं इसे समझाऊंगी, इस सबसे दूर रहे, प्लीज। इसके खिलाफ कंप्लेन आई तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इस बार तो आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। दोबारा अगर उसके घर पे बखेड़ा किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखिएगा, अपने बेटे से कहिएगा कि उसके घर के आसपास दोबारा ना जाए। अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो पूरी जिंदगी पछताएगा। सुना तूने? ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत हो गया, अब बस कर। इनफ। सर देखो, एटीट्यूड देखो। मैं बात करती हूँ। इंदु, 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 क्या तेरे दिल में तेरी माँ के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? तुझे पता है उन 2 सालों में तेरी माँ पर क्या गुजरी होगी जब तू जेल में था? तूने एक बार भी अपने पापा के बारे में सोचा? हमेशा दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने वाले इंसान ने अपने आप को कोने में बंद कर लिया। तुम्हारी वजह से कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। आज फिर एक बार पुलिस घर आ गई। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ, समझ बेटा, अगर वो तुझे प्यार करती तो कभी छोड़ के नहीं जाती। उसने कभी तुझे कॉल तक नहीं किया, वो तुझे भूल गई है। सुन बेटा, तू भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर। माँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए मुझे नहीं छोड़ सकती। बस उसी तरह मैं इंदु को नहीं छोड़ सकता। बट आई प्रॉमिस, दोबारा उसके घर जाके तमाशा नहीं करूंगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए माँ। एमडी ने मेरे बारे में पूछा? डोंट वरी, सब ठीक है। थैंक गॉड। ओके। मेरी कुची पाए, मेरी सोना, कहाँ हो तुम? तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। चूचू, पुकी। ऑनसाइट कैंडिडेट का प्रोसेस शुरू हो गया है। देखना, अब 3 महीने में मैं अमेरिका चली जाऊंगी। तो तुम अमेरिका जाओगी? हाँ, हाँ? मुझे छोड़ के। शिट, ये लोफर यहाँ क्यों आया है? कौन है? जिसके बारे में बताया था वही लोफर। हाँ? हमारे प्यार के लिए मैं अमेरिका क्या, अफ्रीका के जंगल में भी जा सकता हूँ। पासपोर्ट तो मैंने बनवा ही लिया है। वो सोचता है अगर पासपोर्ट है तो अमेरिका जा सकता है, बेवकूफ कहीं का। वीजा तो मुझे मिल ही जाएगा, और फिर मैं तुझसे मिलने घोड़ी चढ़ के आऊंगा।
तेरे लाइफ में मेरे अलावा किसी और का टाइम नहीं लगेगा। कमीना, ये बताओ तुम्हें फॉरेन इतना क्यों पसंद है? अपना इंडिया भी इतना बुरा नहीं है यार, मेरे जैसा सच्चा आशिक सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा। रोली पोली मिल, क्या चल रहा है? हे, तुम? अच्छा हाँ मैं। 420 सुन, मैं अमेरिका जाऊँ या चांद पर जाकर घर बसाऊँ, तू कौन होता है बोलने वाला? हाँ बोल। हेलो हेलो हेलो, तुम अमेरिका जाओ या चांद पर उड़ के जाओ, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। फिर तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं और तुम्हारे पीछे? तुम्हारी क्या मस्त फैंटेसी है, तुम्हारी फैंटेसी के आगे तो BDSM वाले भी फेल हो गए। BDSM क्या है? ये बड़ों के लिए है, तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची के लिए नहीं। जाओ गूगल पर जाके सर्च करो और अमीबा जैसा फेस साइड करो। मेरा फेस अमीबा जैसा है? हाँ। तुम अंधे हो, बकरी जैसे हो। मैं? हाँ। मैं और बकरी जैसा? तुम तो भरी हुई बोरी लगती हो, बॉडी बिल्डर भी ना तुमसे पतले लगते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो WWE में जाना चाहिए, स्लिम लड़की ये होती है। थर्ड क्लास चीफ फेलो, तुम वो हो जो बिना पानी पूरी खाए सूखा पूरी मांगते हो। हाँ, पर तुम्हारी तरह तो नहीं हो, 5 रुपए की चाय लेके 10 बार इंस्टाग्राम में हैशटैग मारती हो। तुम जंगली भालू, तुम पका हुआ पपीता हो, तुम झींगे जैसे, तुम बिना चटनी की इडली, चुब्बे शंपू डंपू झंडू झिंगू, भाग यहाँ से। जो तुमने बोला उसका अर्थ क्या है? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और ये गूगल पे भी नहीं मिलेगा, तो फूट लो यहाँ से। या कमिंग, यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी और एल्स आई विल किल यू। हे ईश्वर, अफ्रीका के जंगल में काफी छिपकली हो गई है, इसे वहाँ भेज दो ताकि छिपकलियों का नाश हो। कोलंबस, हे नन्नू, तूने फिल्म लाइन छोड़ दी क्या? लवर्स को मिला तो रहा है ना? टेंशन मत लो कोलंबस। अब है कौन सी प्रोफाइल से मैं कोलंबस लगता हूँ? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, पर ये कोलंबस ने इंदू की खोज की है, इसलिए तू कोलंबस। नन्नू जी साफ साफ बोलिए, किसी ने नोटिस किया अपना कोलंबस हार गया, बाजी हार गया, 300 एपिसोड अब हो गए। इतना खींच कर लोग गाली देंगे तो? ओ, इस दुनिया में दो ही चीज खींची जा सकती है, एक तो चिंगम और दूसरा मेरा सीरियल। अच्छा कोलंबस, मैंने तुम पर पूरा रिसर्च कर लिया है, वो ट्विस्ट नहीं मिल पाया जिसके कारण तुम जेल गए थे। देखिए बात क्या है, अगर आप सारी बातें हमारे साथ खुलकर शेयर करेंगे तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आपको मिलता चला जाएगा और इस सीरियल गोल्डन जुबली हो जाएगी। ओ भाई टॉम एंड जेरी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अब अरे भाई मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ, हम लोग इतना मस्का मार रहे हैं, प्लीज मान जाओ। चलो ठीक है, माना, बहुत अच्छे। ओके ओके, पर ऐसा करो, किया मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, दिया वहाँ पर जाओ, गया घंटी हिलाओ, हिलाया फिर दरवाजा खुलेगा, खुल गया, फिर नुनू जी पहली बार ओरिजिनल स्क्रीन पे दिखेगा। वाह, वेरी सिंपल, इतनी सी बात। अब देखो मेरा टैलेंट, टिंग टिंग। Yes. I am Junior Spielberg. मैंने आज तक तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। ये क्या बकवास कर रहा है, इसे लगता पता नहीं मेरे बारे में, इसे विकिपीडिया का लिंक भेज। ये तो इंडस्ट्री का लेजेंड डायरेक्टर है, सीरियल सिंघम। हाँ, मतलब सीरियल सिंघम, ये बिल्कुल शेर की तरह है, शेर भी नहीं नाता, ये भी नहीं नाता, ये दोनों जानवर है, मतलब जानवर जैसे है। इसकी असली जगह सर्कस में है, गेट आउट। आपको पता है हमें किसने भेजा है? किसने भेजा है? अश्विन। अश्विन, यस, इंदू के बारे में मैं कुछ जानने आया हूँ। इंदू? या प्लीज कम। थैंक यू, चल रहे अंदर। अब जाओ, मैं एक नंबर करके आता हूँ। इसलिए बोलता हूँ पानी कम पिया कर। वाओ, कितना बड़ा घर है, नाइस बंगलो यार। अगर आप मुझे परमिशन दे तो 375 एपिसोड में यही शूट करूंगा। चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। थैंक यू डार्लिंग, कम। वाह क्या लोकेशन है, वाह वाओ 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 वाओ। आंटी, हीरो के बाप की सौतेली माँ का कैरेक्टर है, क्या आप करना चाहेगी? सबको हीरोइन ही बनाए, आंटी बोले तो मुंह फेर के चले जाती है, क्या बताएं। अश्विन ने किसी को भेजा है, जरा उसकी खातिर करो। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। डायरेक्टर साहब, हम आ गए। शूटिंग शुरू नहीं हुई और जूनियर आर्टिस्ट की लाइन लग गई। हम तुम्हें इंदू के बारे में बताने आए तो दीजिए इंदू की जानकारी। ये कौन सा तरीका है बताने का? अब क्या मेरा मसाज करोगे? हाँ, पूरी की पूरी बॉडी, पूरी बॉडी की मसाज। मेरा टांग क्यों बहला रहे हो भाई? तुझे फ्लैशबैक नहीं सुनना? बताइए। इसके लिए तुम्हें बैग जाना होगा। चलते हैं। क्या रे, बैग तो तुम लोग को जाना था, मुझे क्यों कर दिए? क्योंकि हमें काम शुरू करना है। थैंक्स दोस्तों रोकने के लिए। रोका नहीं, शिफ्ट चेंज की। दिन में कुत्ते के रोने की आवाज। अरे अरे गुरुजी, अरे आप नहीं, मेरी बॉडी में बिल्कुल टच मत करना। बिल्कुल नहीं सर, बोलो क्या हुआ? अंदर उन्होंने क्या किया आपके साथ? उन्होंने उन्होंने मुझे टेबल पर लिटा दिया। क्यों, मसाज के लिए क्या? उन्होंने मेरी आगे से पीछे से इज्जत लूट ली। क्या कहा? अरे बाप रे, यू मीन? मैं उस अश्विन को नहीं छोड़ूंगा, उसके वजह से मेरी ऐसी हालत हुई, उसे इंदू कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। ये मेरी काली जबान का श्राप है। इंदू माय डार्लिंग, वेलकम होम। बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ये कौन है? इंदू, अश्विन की इंदू। तुम्हारी काली जुबान के शराब का कोई भी मतलब नहीं हुआ। छी तू, ए लगेज लेकर आओ, चलो अंदर चलो। हम ये बात अश्विन को कभी नहीं बताएंगे। अरे लेकिन वो तो उसका सच्चा लवर है। तू उसकी तरफ है या मेरी तरफ, पहले ये बता। 2 मिनट में स्पॉट बॉय बना दूंगा तुझे। आपकी तरफ।
हेलो सर, मैं अश्विन बोल रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट थोड़ा जल्दी बनवा दीजिए प्लीज। अभी 40 दिन और लगेंगे। क्या 40 दिन लगेंगे? सर मुझे इंदु से मिलना है प्लीज। लड़की नहीं, लड़की नहीं। हाँ? मैं सिटी सिटी सर, मैं बाद में कॉल करता हूँ। साले मुझे देख के सिटी मारता है, मैं तो तेरे दांत तोड़ू क्या? इंदु वापस आ गई। हाँ, जब तुमने हमें वहां पर भेजा तो हमने देखा। यही तो बताने आया था। अश्विन कहीं बाहर जा रहा है, जल्दी आ जाना। रुक, मैं गाड़ी पीछे लेती हूँ। माँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए मुझे नहीं छोड़ सकती। बस उसी तरह मैं इंदु को नहीं छोड़ सकता। बट आई प्रॉमिस, दोबारा उसके घर जाके तमाशा नहीं करूंगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए माँ। अरे किस सोच में पड़ गया, जाना। Come on, get in, baby. Yeah, Dad. Indu, all the best for your Thank new you, job. Thank you, Mom. Bye. Bye. Okay, bye, baby. Bye. ए, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? किसी से मिलना है। आउट इज नॉट अलाउड। बस यू क्या, यू आया? प्लीज बाहर जाइए सर, प्लीज प्लीज। इंदु। हे, माय डैड हैज कम। बाय बाय। बाय। आवारा को फिर देखा क्या? वो सिग्नल पे था, मेरा पीछा कर रहा था। हे, पीछा करते करते वो यहाँ पर भी आ गया। गॉड, अरे वो यहीं आ रहा है। नीरजा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं तो आपके शूलेस बांधना चाह रहा था और कुछ नहीं। क्या? जानती हो, कल रात मेरे सपने में पवन पुत्र हनुमान आए थे। उन्होंने कहा, अश्विन, नीरजा एक बहुत अच्छी लड़की है, उससे झगड़ा मत करो, जाओ और उससे जाके माफी मांगो। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। गेट अप, गेट अप। प्लीज नीरजा जी, माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं सब भूल जाऊंगी? अरे मेरी जबान पर तेल लगा था इसलिए स्लिप हो जाती थी। आपको मुझे माफ करना होगा, नहीं तो मेरी जबान काट दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको मेरी जबान काटनी होगी। माफ कर दो ना, नहीं तो ये सबके सामने हमारी नाक कटवाएगा। माफ कर दो ना, कर दो ना मैडम प्लीज। थैंक यू नीरजा जी, अब मेरे कलेजे को ठंड पहुंची। नाउ वी आर फ्रेंड्स। नो ओए झींगा। झींगा झींगा, आई एम झींगा। अरे वाह, अच्छा है, मेरा फेस कट भी उससे मिलता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये मैं अच्छे से जानती हूँ। साफ साफ बोलो क्या बोलना है। यू गॉट मी डियर, यू गॉट मी, यू आर अ जीनियस। मुद्दा मुद्दा। ओके, आई विल कम टू द पॉइंट। मेरी एक लव स्टोरी है। हर बेवकूफ के पास दो तीन लव स्टोरी होती है। नेक्स्ट। हम दोनों का अफेयर 4 साल पहले शुरू हुआ था। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर रोमियो जूलियट बिछड़ गए क्योंकि वो मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई। उसके लिए तो अच्छा हुआ। पर अब उसका ट्रांसफर इंडिया में हो गया है, वो वापस आ गई है बेचारी।
अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, ना मैं उससे मिल सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ, पर मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी इंदु का ट्रांसफर जहाँ हुआ है आप भी वही काम करती हैं। अब समझी, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूं? अरे नहीं, मैं ये काम आपसे क्यों करवाऊंगा, आपके लिए बस एक छोटा सा काम है, मुझे वहाँ जॉब दिलवा दो। व्हाट? सॉरी, आई कांट हेल्प यू। ऑफ कोर्स यू कैन, इन फैक्ट आई नो यू कैन। कल रात मैंने वेबसाइट पर आपकी कंपनी में जॉब सर्च की, वहाँ पर 24 वैकेंसीज हैं, और जब मैंने वहाँ की HR मैनेजर की फोटो देखी, इसकी माँ का साकिना का बगल में बच्ची और शहर में डिनोरा, मेरे सामने साक्षात HR मैनेजर बैठी है और मैं जॉब के लिए दर दर भटकू। ये है मेरा कच्चा चिट्ठा, अगर आप चाह लेंगे HR जी तो इस आशिक को नौकरी मिल जाएगी और मैं इंदु के साथ दोबारा ट्यूटिव करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? 50,000 रोकड़ा। What? अच्छा, एक पेटी। I can't believe this guy. Okay. मैं तुम्हें एक ऐसा बम्पर ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगी। एक पेटी और उसके साथ तनिष्क की 100 ग्राम की गोल्ड चेन, और साड़ी ऐसी दूंगा जो साड़ी में साड़ी होगी, पराग साड़ी। 10 साल शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपनी शादी में लोगों को बांट सकती हो। और एक एक्स्ट्रा ऑफर, मैं तुम्हें दूंगा गुच्ची का परफ्यूम और बाटा के शूज, जिसकी कीमत कम से कम होगी 2 पेटी। डील ओके? डन करे? बहुत बढ़िया, पहले कॉफी पी लो। थैंक यू नीरजा जी, थैंक यू। गोल्ड के लालच में आप बोल्ड हो गई। ये क्या नीरजा जी, ठंडी चाय मुझ पे फेंक दी। Shut up you idiot! तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगी? अगर तुम दोबारा मेरे पास जॉब के लिए आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैडम, चलो यहां मेरी बात तो सुनिए मैडम। हे नीरजा जी, कम जी। पापा स्वागत। नमस्कार जी। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल रही है तो थोड़ा तो इज्जत करें। लड़का लड़की का आपस में देखना, सगाई करना, ये सारी फॉर्मेलिटी से अच्छा है कि क्यों ना हम सीधे शादी की डेट फिक्स कर लें। आपकी क्या राय है? अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैंने कभी आपको मना किया है क्या? लड़के को जल्दी भी है, ऐसा ही करते हैं। सही कहा ना पंडित जी? यजमान, जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त निकालिए तुरंत। ए सुनना, तेरा काम दमा। मैंने उसके लोकल जूते के लेसेस बांधे, बिना किसी ओकेजन के उसे एक के बाद एक बम्पर ऑफर दिए, फिर भी वो नहीं मानी। नीरजा, ये तो उस लोफर की आवाज लग रही है। लगता है वो आवारा लड़का तेरे पीछे ही पड़ गया है। हे, देख क्या रहा है, बजा रहे, और देख अपने भाई का जलवा। शायद इस एरिया का कोई आवारा है जो रोड पे शोर मचा रहा है। वो आपकी बेटी का नाम लेके चिल्ला रहा है। ए राजू। सर। बाहर गेट के पास कोई तमाशा कर रहा है, उसे भगाना। ठीक है सर। अब आप दोनों आपस में पत्रिका बदलिए और शादी की मुहूर्त तय कीजिए। ना धन ना दौलत मांगू, ना कोई शोहरत मांगू, मैं तो बस इतना मांगू, नीरू फिर माला। पत्रिका बदलने? कैसे बदले? वो लड़का बाहर तमाशा कर रहा है और आपकी बेटी भी कुछ नहीं बोल रही, क्या चल रहा है? मतलब आप मेरी बेटी के ऊपर शक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, हम उस लड़के से हैरान हैं। तुम चुप क्यों बैठी हो, बोलो ना, क्यों नहीं बताते कि तुम उसे नहीं जानती? गोल्डन चांस, यही मौका है तेरे लिए शादी से बचने का। चुप क्यों हो, बोलो ना। मैं उसे जानती हूँ पापा।
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी बेइज्जती करने से अच्छा था कि एक बार अपनी बेटी से पूछ लेते। एनीवे, हमें शादी में जरूर बुलाना, चलते हैं। चलो बेटा। शिट। अब तो खुश हो ना, कर दिया ना अपने माँ बाप को बदनाम। हेलो भाई। हाँ। ये अच्छा तरीका है, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है, जाओ अंदर। इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की है। मैंने मना किया था कि इसे घर से बाहर जॉब के लिए मत भेजो, देख लिया क्या गुल खिलाया। Excuse me. अरे बाप रे, इसे अंदर आने की क्या जरूरत थी? अगर तेरे पापा को सच पता चल गया तो फोन को दोबारा बुलाकर शादी की डेट फिक्स कर देंगे। नमस्ते दादी। गुड मॉर्निंग नीरजा। गुड मॉर्निंग शैलजा। हेलो सर। कौन हो तुम? हाँ? बाहर क्यों आवारों की तरह नाच गाना कर रहे थे? वैसे आपका बायोडेटा? नीरजा के पापा है। ओ, नाइस टू मीट यू अंकल, मैं अश्विन। जानता हूँ, नीरजा ने बताया। ओ, तुमने अंकल को सब बता दिया, सुपर। एक्चुअली अंकल मैं नीरजा का ऑफिस ज्वाइन। तुम घर जाओ। हम बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। तो तुम्हारी हाँ है ना? डील ओके? शट अप। तुम लोगों ने क्या सोचा अकेले फैसला कर लोगे? मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं अंकल? हमारी फैमिली में सारे फैसले यही लेते हैं बेटा। ओह, तो मैं आपसे बात करूंगा अंकल, आपके लिए 250 ऑफर। ऑफर? हाँ, तुमने अंकल को मेरे ऑफर नहीं बताया। 100 ग्राम तनिष्क गोल्ड और साथ में साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी। ये सब किस लिए? अरे अंकल, महंगाई का जमाना है, बेटी की शादी में काम आ जाएगा। शादी के लिए 100 ग्राम गोल्ड में क्या होता है बेटा, कम से कम बेटी का गला तो भरना चाहिए। क्या आंटी, मेरे बाप की कोई इलायची की खेती नहीं है। अंकल, जितना मैंने बोला है उतना तो मैं जरूर दूंगा, फिर आप इसे शादी में यूज करें या गोद भराई में, मुझे क्या। ए जी, ये तो गोद भराई की बात कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है, गोद भराई की बातें करके मुझे डराना चाहता तू, ताकि मैं शादी के लिए मान जाऊं? शादी? मेरी बेटी के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मार। प्लीज पापा। तू चुप रह। अंकल, लग रहा है आप 9 को 6 समझ रहे हैं। क्या 9 6 लगा रखी है? अरे आपको पता भी मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आया है एक्चुअली मुझे नीरजा के ऑफिस में जॉब। अब उसे जाने दो, अगर आपने उसे कुछ भी किया तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा खड़ूस बाप मुझे मारना चाहता है और तुम मेरे लिए जान दे रही हो? शट अप। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। हाँ, लगता है मामला हाथ से निकल गया है, हमें इन दोनों की बात मान लेनी चाहिए। अगर ईश्वर की दया रही तो हमारा दामाद बन सकता है, जरा इसके बारे में सोचो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम जान के आधार कार्ड बनाओगे क्या? अश्विन नाम है पापा। ठीक है, अपने घर वालों को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। पर अंकल, वो फॉरेन गए पापा। कब गए? तुम्हें नहीं पता? वो आपके गुस्से से थोड़ा डर गया है पापा। इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है दामाद जी। रुको, हमें हमेशा जल्दी लगी रहती है, एक मिनट में रिश्ता तय कर लेती हो। अच्छा सुनो, जब तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएं तो बताना, हम सब मिलके बात करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। अब जाओ। मैं इसे छोड़कर आती हूँ पापा। मैं तुम्हारा लवर हूँ, हमारी शादी होने वाली है। कहीं ये बात गलती से इंदू तक पहुंच गई ना तो मेरी लाइन जोड़ने से पहले ही कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। ये क्या रोना धोना लड़की की तरह? कमॉन यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। तेरे बाप के दिमाग में डिफेक्ट है तो डॉक्टर के पास लेके जा, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? शट अप, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। शादी से बचने का तरीका ढूंढ रही थी और तुम आ गए। तुमने तो ये सब इजीली कह दिया, पर तुम्हारा बाप तो मुझे देख के सीरियस हो गया ना। उनके हाव भाव देखकर मेरी तो बैंड बज गई थी, उनका बस चलता तो वो इस बकरे को आज ही हलाल कर देते। कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं अमेरिका जा रही हूँ, मेरा वीजा भी लग गया है। और फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारा कैरेक्टर ही खत्म कर दूंगी, ये बोल दूंगी कि तुम प्लेन क्रैश में मर गए। ए गांडी। ए। ओके, कोई नहीं, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, पर नीरजा जी प्लीज इस आशिक को ये जॉब दिलवा दो प्लीज। वो तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था जब तुम्हें अपने मामले में डाला। एक काम करो, कल अपने सर्टिफिकेट्स लेके ऑफिस आ जाओ। ओके बाय। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग नीरजा। मॉर्निंग। सर्टिफिकेट लाए? हाँ, आज से मेरी जिंदगी आपके हवाले। ओके, यू प्लीज सिट डाउन, मैं जाती हूँ और सब डॉक्यूमेंट्स देख के बताती हूँ। नीरजा जी। क्या? मेरी इंदु कहाँ है? ऊपर है। ऊपर? क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ प्लीज? ए, क्या बोल रहे हो तुम? बस एक बार। ऐसे कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अरे मैं चुपके चुपके देखूंगा, आई प्रॉमिस। मैंने कहा ना तुम्हें, समझ नहीं आता। नीरजा जी प्लीज प्लीज। पकड़ो, जॉब चाहिए? हाँ चाहिए। तो चुपचाप बैठो। हाँ। बैठ जाओ। बैठो। ओके। हेलो।
ओह रियली? अभी? ओके मैं आती हूँ। हाँ हाँ इंदु, फ्रेशर ड्राइव से 320 एप्लीकेशन आए हैं, मैंने उनमें से 80 को सिलेक्ट किया है, इज दैट फाइन? या इंटरव्यू डेट फिक्स कर दो। ओके सारे एप्लीकेंट्स को मेल कर दो और इंटरव्यू बोर्ड को भी बता देना। आई बी बैक इन 2 आवर्स। एनीथिंग अर्जेंट जस्ट गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो द अपडेट्स। ओके बाय। ओके बाय। ओह माय गॉड, वो झिंगा नीचे बैठा है, अगर उसने इंदु को देख लिया तो कुछ ना कुछ सीन क्रिएट कर देगा। Thank you. Where's the restroom? Go inside and take left, ma'am. Thank you, ma'am. I'll just be back. Sure. Hey, Ram. Guess what? मैं इंदु के साथ अपने रेस्टोरेंट में आया हूँ और पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इंदु को प्रपोज करने वाला हूँ। वो हाँ ही कहेगी। वो मुझे पसंद करती है। अगर इंदु ने हाँ कहा, तो जल्द से जल्द शादी कर लूँगा। Yeah. Sorry to keep you waiting. कोई बात नहीं. It's okay. I want to tell you something. Yeah, go on. I love you. What? Will you marry me? It's yes. Beautiful. Okay, Intu आ रही है. Bye.
देख के लगा था तुम मासूम हो। जब तुमने हेल्प मांगी तो मुझे लगा सच्चे लवर हो। मुझे नहीं लगा था तुम मुझे भी बेवकूफ बना सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने कहा था इंदु तुम्हें प्यार करती है। वो करती है नीरजा जी। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो लड़का उसे प्रपोज क्यों कर रहा था? और तुमने एक चोर की तरह रिंग क्यों चुराई? तुम इंदु से खुद जाकर बात क्यों नहीं कर सकते? ये जॉब और ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुम इंदु के पीछे भाग रहे हो और इंदु उस लड़के के पीछे भाग रही है और तुम जॉब के लिए मेरे पीछे भाग रहे हो। ये सब भागना भगाना किस लिए? लाइफ में कोई गोल है या नहीं है? कुछ करना चाहते हो कि नहीं बताओ। सुनो, तुमने मेरी मदद की सिर्फ इसलिए मैंने रिस्क लेकर तुम्हें बचाया है। मैं और रिस्क नहीं ले सकती, जॉब भी नहीं दूंगी, बाय। अरे नीरजा जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप मुझे ऐसे हाल में छोड़ के जा रही है, ठीक है क्या? सुनो, वो तुम्हें पकड़ लेता अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती और फिर उसके बाद पुलिस तुम्हें जेल में डाल देती। पता है तुम्हें जेल कैसी होती है? अच्छे से पता है। व्हाट? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मैं 2 साल जेल में था, अभी कुछ दिन पहले ही छूटा हूँ। इंदु के प्यार में मैं पागल हो गया था। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और फेल हो गया, पर वो पास हो गई। उसने मुझे डिग्री पूरी करने को कहा और वो पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। कुछ दिनों तक तो उसने बहुत अच्छी तरह बात की, पर धीरे धीरे उसके फोन्स, मैसेजेस, मेल्स सब आने बंद हो गए। एक दिन मुझे एक कुरियर आया, उसमें वो रिंग थी जो मैंने उसे दी थी। इसी बात का जवाब मांगने मैं उसके पास दिल्ली गया। हाँ भाई रुको। अरे भाई सुनिए, यहाँ पे आप किसी इंदु को जानते हैं? प्लेग्राउंड में देखिए। ओके Are you okay? I'm sorry. Sorry? कौन है रे तू? अंधा है क्या? दिखता नहीं? तेरी मत कैसे? इसने मेरा पूरा गेम बिगाड़ दिया। बताओ इसे। Leave him. तुम जानती हो उसे? जानती हूँ। He was my classmate. मैं सिर्फ क्लासमेट था क्या? तो और क्या बताती? मेरे बॉयफ्रेंड थे, मेरे लवर थे। और नहीं तो क्या? जब कोई पूछेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड करता क्या है, तो क्या मैं ये कहूँ कि उसके पास कोई डिग्री ही नहीं है? हाँ? Look at them, man. उनके पास मास्टर डिग्री, कैंपस सिलेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट है। एंड लुक एट योरसेल्फ। वैसे तुम यहाँ आए क्यों हो? मेरी रिंग तुमने वापस क्यों भेजी? कॉलेज के वक्त जब हम रिलेशनशिप में थे तब तुमने मुझे ये रिंग पहनाई थी, लेकिन अब तो तुम मेरे दिल में ही नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये वापस भेज दी। What do you mean? I mean I have changed. What? मैंने तुम्हारे बदलने का बहुत इंतजार किया पर तुम नहीं बदले, इसलिए मुझे ही बदलना पड़ा। तुम बदल कैसे सकती हो इंदु? Change is natural, inevitable. तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10th standard में हमें किसी पर crush होता है, 12th में वो infatuation में बदल जाता है, और कॉलेज लाइफ में opposite sex के लिए strong attraction हो जाता है। फिर हम प्यार को लेकर बहुत emotional हो जाते हैं, पर जब हम mature होते हैं तब जाकर हमें समझ में आता है कि वो सब stupidity थी। मैं mature हो गई हूँ इसलिए बदल गई हूँ, पर तुम अब भी वैसे ही हो। ऐसा मत कहो इंदु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? Wake up and grow up. हिंदू मुझे एक चांस दो, प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो। मैं गारंटी देता हूँ कुछ करके दिखाऊंगा। I'll show you. मुझे तुम्हारी assurity और गारंटी नहीं चाहिए। ये बैंक लोन नहीं है, it's love. If it's love, then let's get married. मुझसे शादी करोगी? What? No way. हिंदू प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हिंदू भरोसा रखो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे कैंपस में आके लड़की को परेशान करता है। कावले, तू हमारे बीच में मत आ, ये हम दोनों के बीच का मामला है। हिंदू प्लीज, शादी के लिए मना मत करो। हिंदू प्लीज, मुझ पर भरोसा रखो। वो मना कर रही है ना, चलने का यहाँ से। चाबे तब से परेशान कर रहा है, तेरी बहन लगती है क्या? तेरी मां का कौन? साले तेरा बाप हूं मैं। स्टॉप इट गाइस।
स्टॉप इट अश्विन तेरी तो स्टॉप इट गाइस स्टॉप दोबारा हमारे बीच में मत आना अश्विन क्या कर रहे हो अश्विन कहाँ भाग रहा है सामने आ क्या रे तू मुझे मारेगा आ मार आजा मारना मारना अबे मारना अश्विन अश्विन ओपन द डोर वापसी अबे मारता क्यों नहीं ये तू क्या कर रहा है बचाओ मुझे अश्विन ओपन द डोर मर जाएगा तू ऐसा मत कर हेलो पुलिस स्टेशन क्या तुझे क्यों कर रहा है ये सब अरे नहीं प्लीज बचाओ ऐसा मत कर प्लीज रुक जाओ मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ देख झूठ मत बोल मुझे मत मारो अश्विन Somebody save me do it बचाओ कौन है तू? मैंने कुछ नहीं किया सब मैंने यकीन मानी मैंने इसको नहीं मारा इंदू इंदू मेरा यकीन करो मैंने इसको नहीं मारा ये इसने खुद किया इंदू गेट लॉस्ट इंदू अब तक तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिंपैथी थी अब वो भी नहीं इंदू मेरा यकीन करो मैंने इसको नहीं मारा मैं लेके चल इंदू मैं चलूं नहीं गेट आउट ऑफ माय लाइफ लाइफ मामसी आर यू ओके मामसी उसने धोखे से मुझे फंसाया और मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पाया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पर आज जब मैंने उसे इंदु के साथ देखा मैं उसका सारा प्लान समझ गया शायद उसकी नजर इंदु पर पहले से ही थी इसीलिए उसने मुझे फंसाकर जेल भेज दिया मुझे तुम पे दया आ रही है तुम्हारी लवर को तुम्हारे दुश्मन से प्यार है So sad. नीरजा जी इसमें प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है उसे तो मैंने प्रपोज भी नहीं करने दिया लेकिन वो उसे जल्दी प्रपोज कर देगा नीरजा जी इंदु के प्यार की खातिर मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मैं भूल जाऊंगा लेकिन अगर उसने मेरे और इंदु के बीच अब कोई प्रॉब्लम की तो उसकी सांसें छीनने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा क्या तुम इतनी जल्दी जेल भूल गए दोबारा जाना है क्या टिंग 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 अरे बाप रे जा रहा हूँ अरे बाप रे बहुत जोर दोबारा अरे लाल हो गया वो दर्द याद आ गया जेल में बहुत वाट लगी होगी ना नो डाउट पर इंदु के प्यार को पाने के लिए अगर मुझे फिर से डंडे खाने पड़े तो मैं जरूर खाऊंगा तुम इंदु के करीब तभी जा सकते हो जब वो लड़का दूर होगा उसे मार डालूं क्या मेरा मतलब अगर तुम इंदु के करीब जाना तो हमारे बीच से जाना होगा यस नीरजा जी अब तो किसी भी हाल में जॉब पाके मुझे इंदु के करीब जाना है उसने धोखा देके इंदु को मुझसे अलग किया था अब देखना मैं भी उसका गेम उसके साथ खेलूंगा और इंदु के करीब आऊंगा उधर झट से होगा ब्रेकअप इधर झट से होगा पैचअप यस यहाँ पैचअप वहाँ ब्रेकअप इंटरेस्टिंग ऑल द बेस्ट थैंक यू नीरजा जी आँखों का सपने से ब्रेकअप राहों का कदमों से ब्रेकअप अब तेरा खुशियों से ब्रेकअप करवा के रहूंगा डे एंड नाइट प्रोग्रेसिव ब्रेकअप डोंट वरी जल्दी होगा ब्रेकअप जिंदगी में भर दूंगा मैं ब्रेकअप प्रॉमिस यार है वादा धीरे धीरे कर दूंगा मैं तुझको अपनी जिंदगी से मैं जुदा भाग यहाँ से तो निकल गेट लॉस्ट आर यू मैड बच्चों के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है हाँ चल भाग पहुंचा दूंगा जू ना करना ना बाजी बहुत पछताएगा तू हाँ मैं लव करता उसे खोने से डरता मेरे रास्ते से हट जा मैं हूं दीवाना उसका
धीरे-धीरे कर दूंगा मैं तुझको अपनी जिंदगी Congrats. Thank you. ये स्मेल कैसी है? ओ, कुछ बच्चे रोड पे होली खेल रहे थे, मुझ पे स्प्रे कर दिया। होली? तो कलर्स कहाँ हैं? Poor kids यार, no color, only water. ऐसे ही मस्ती कर रहे होंगे। Poor kids? उन्होंने सिर्फ मस्ती करने के लिए तुम पर 4,000 रुपए की परफ्यूम स्प्रे कर दी। That too, ladies perfume. That's what happened. Come on, let's have a drink. I wanna go home. Come on, let's have a drink. बाद में मिलते हैं। सत्यानाश अध्याय एक समाप्त। We'll let you know. You may go. Next candidate, please. A very good morning, sir. Very good morning, young man. Please come in. Thank you, sir. Okay, let's start, Mr. Singh. Carry on. Well, Mr. Ashwin, what is ABI? Application Binary Interface. What is API? Application Programming Interface. ASU. Hindu, would you like to ask some questions? No, nothing. Thanks. Excellent. We will let you know. Thank you so much, sir. नीता जी, आपको सुनकर शौक लगेगा, इंटरव्यू पैनल ने बाहें फैला के मेरा स्वागत किया। वेरी गुड। और बताओ, तुम्हारे ब्रेकअप प्लान का क्या हुआ फिर? सत्यानाश अध्याय दो की तैयारी पूरी हो चुकी है। फैंटास्टिक। पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? ए अश्विन, मैं थिएटर के बाहर हूँ। गुड, सीट D12 पे बैठ जाओ। D12? Yes. पर मेरी तो I-16 है। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो और अपना सुंदर मुंह ढक लेना। ओके, मैं यहाँ बैठ गई, अब आगे? अपनी आगे वाली सीट पे देखो। आगे? What a fantastic movie. Yeah. I can't believe this. वो देखो। इंदु और वामसी मेरे सामने बैठे हैं। मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? तुम कहाँ हो? वैसे तो इंदु के दिल में हो, पर तुम फिल्म एंजॉय करो। How's that? Hey. हाँ बोलो। वामसी से फिल्म के हीरो का नाम पूछो। मैं बाहुबली देख रही हूँ, उससे हीरो का नाम पूछूंगी तो पागल समझेगा। ये पूछना। Excuse me. Yeah. ये हीरो का नाम क्या है? प्रभास। Oh, darling. Oh, darling. Yes, darling. Okay, okay. Thank you. Are you okay? Yeah, fine. वामसी से पूछो टॉयलेट कहाँ है? Okay, no. Yeah. Excuse me. टॉयलेट कहाँ है? Go right and take left. जाओ टॉयलेट जाओ, वहां जाके वेट करो। Okay. Go that side. Are you fine? Yeah, I'm fine. मुझे एक कॉल करना है, अर्जेंट है ना? Yes. अश्विन, मैं टॉयलेट में हूँ। तो हाथ धो लो। नीरजा जल्दी बाहर आओ और वामसी से बात करो, जल्दी जल्दी बाहर आओ। हाँ? बाद में पूछना। ओके ओके ओके, बाहर आके बात करो। मैं क्या बात करूंगी? एक्सक्यूज मी, हाय। कौन हो तुम? नर्सरी राइम्स गाओ। ABCDEFG ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOPQRST तुम पागल हो, चलो जाओ। उससे जिप लगाने को कहो। हेलो, अपने पैंट की जिप लगाओ। थैंक यू। अरे इंदु, तुम आ गई? एक्चुअली वो मैं सब समझ गई। वो अच्छा है, समझ गई। यही था तुम्हारा अर्जेंट कॉल? नेचर्स कॉल, राइट। रोकने का कोई तरीका ही नहीं था।
पांच बार एनर्जी एकदम डाउन हो गया। डिस्गस्टिंग। अरे पांच बार होना हलवा है क्या? कभी इतनी बार तुमने नहीं किया क्या? ये तुम्हारे लिए कॉमन होगा पर मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गुड बाय। इंदु, इंदु, आई कैन एक्सप्लेन यू। इंदु। सत्यानाश संपला। ओह, ऐसे ब्रेकअप करवाते हैं? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम वैसे इतनी बुरी एक्टर हो, अगर मैं बता देता तो मेरा प्लान वर्कआउट नहीं होता। इतने जल्दी नहीं झिंगा। वो थिएटर से इंदु के पीछे पीछे गया था और आई एम श्योर उसने पैर पकड़ के गिड़गिड़ाया होगा और गॉड प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस, फादर प्रॉमिस, पता नहीं क्या क्या करके माफी मांग के मना लिया होगा। इतना सब होने के बाद मेरी इंदु उस पर भरोसा नहीं करेगी। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारी इंदु उसके साथ बैठकर उसी के रेस्टोरेंट में लंच कर रही होगी। और अगर मेरी मानो तो वो अपने घर के किसी अकेले कोने में बैठ के अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनते हुए 3 रुपए का ठर्रा पी के 17 रुपए के आंसू बहा रही हो। लेट्स सी। देख लिया आपने, ये यहाँ अकेले शोक सभा में बैठा है और पी रहा है। अब इंदु का इसकी लाइफ में वापस आना इम्पॉसिबल है। ऐसा है? जरा वहाँ देखो। Hey, hi. Cheers. बेवफा सनम, जबान साफ नहीं करती हो क्या? तू तो लेडी मोदी निकली, जो बोला वही हुआ। सुनो, जब वो इंदु का क्लासमेट था तो उसने इंदु के लिए तुम्हें जेल भेज दिया। अब जब उसके साथ प्यार में है तो उसे बिल्कुल जाने नहीं देगा। मेरे सारे प्लान फेल हो रहे हैं, मेरी कलरफुल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। क्या मैं तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज सुनाऊं? हाँ दे दो हार्ट अटैक। तुम्हारी जॉब भी लटक गई। क्या? तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से फिलहाल तुम्हारे जॉब को पेंडिंग रखा है। ओह गॉड, इधर मुझे जॉब नहीं मिली, उधर वो उससे अलग नहीं हो रहा। जिंदगी है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम? अब मैं जीना नहीं चाहता। ए ऑटो वाले, मार दे मुझे। अश्विन, स्टॉप। जेल में ही। आई वांट टू डाई। आई डोंट वांट टू लिव। मैं जीना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। चलो चलो, मैं जीना नहीं चाहता। मैं नहीं जीना चाहता। बस सॉरी। अरे मैं क्या करती, एक बच्चे की तरह रोड पर क्यों भागे? क्या होता अगर एक सेकंड लेट हो जाती? मेरा फोटो फ्रेम लग जाता। शट अप यार, तुम पागल हो। एक छोटा सा डाउट है, तुम इंदु के लिए यहाँ बैठ के रो रहे हो, इसका मतलब तुमने वो किया? हाँ, मैंने किया। क्या? वही। You mean? No, मेरा प्योर लव है, वीर जारा की तरह। तुम बहुत बड़े नमूने हो, तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए। हाँ तुम भी बोल लो, मेरा टाइम बुरा चल रहा है ना, ऊपर वाला साथ नहीं है तो तुम क्या दो? तुम्हारा टाइम बुरा नहीं है, तुम्हारे प्लान घटिया है। तुम्हारी जगह मैं होती ना। यहाँ मेरे प्लान चल नहीं रहे। बड़ी आई रॉबिन हुड। ए, लड़कियों को बिल्कुल कम मत समझना, हम करने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तो लाजवाब है। चैलेंज, मैं बस एक बार में उनका ब्रेकअप करवा। अगर तुमने कर दिखाया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन के तुम्हें सलाम ठोकूंगा। जल्दी चलो। हे, तुम मुझे वामसी घर क्यों लेके आई हो? बंद रखो, मेरे साथ चलो। कम ऑन। ये खानदानी बिजनेस है क्या? जब मैं हॉस्टल में थी ना तब यही टेक्निक यूज करती थी। हे, अब क्या? डन। तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं हूँ तो इसे साथ क्यों ले आई? डन। मैं तुम्हारा प्लान समझ गया, उस पर बच्चों से स्प्रे डलवाया, थिएटर में लफड़ा करवाया। मैंने ये सब इसलिए करवाया ताकि इंदु के दिमाग में उसके लिए शक पैदा हो जाए और मेरे ही प्लान को मेरे सामने खिचड़ी बना के मेरे सामने सर्व कर दिया है ना? एग्जैक्टली। अब इंदु को लगेगा कि वो लड़की रोज वामसी के घर आती है और इंदु का शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस लुच्चे के यहाँ इंदु आ जाएगी। मैंने उस दिन बार में छुप छुप के उनकी सारी बातें सुनी थी। हे इंदु, कल मेरे घर आओगी क्या? क्यों? अरे मेरा बर्थडे है, भूल गई क्या? सॉरी, आई फॉरगॉट, आई विल बी देयर। ओके, तो वो जरूर आएगी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारा प्लान काम करेगा? मुझे तो डाउट। तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए मुझे दिखाना होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। तुम वामसी बन जाओ और मैं इंदु की तरह एक्ट करती हूँ। इंदु, इंदु, वेलकम टू माय हम्बल होम। वाओ, दिस इज व्हाट अ हाउस। वेलकम फ्रूट। थैंक यू। मैं अपने जूते कहाँ उतारूं? सर पे नहीं, वहाँ। लेडीज चप्पल? आई डोंट नो। ये किसकी चप्पल है? मेरी है। मुझसे झूठ मत बोलो, अंदर कौन है? अंदर कोई नहीं है। शॉर्ट्स? ये सब किसका है मैं नहीं जानता। ये मेरा तो नहीं है। ये ड्रेस, ये कहाँ से आया? आई डोंट नो।
जोर का लाफा धीरे से मारा। एक्चुअली ये दिखाने के लिए कि इंदु वामसी को कैसे मारेगी। इंदु वामसी को पक्का मारेगी, तो फिर मुझे एक और थप्पड़ मारो, मुझे मारती रहो ताकि वो हम दोनों को मारेगा अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो। चलो कम कम कम। ओ नो, अंदर चलो जल्दी जल्दी। वेलकम टू माय हाउस, कम कम। हे, तुमने बर्थडे पार्टी कहा था, बाकी लोग कहाँ हैं? पार्टी तो शाम को है। तो मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? I have a surprise for you. Surprise? Okay, come, come. I'll remove my shoes. Hey, no problem. It's okay. Huh? Come. Are you sure? Ah, no problem. Okay. Actually, Indu, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि वॉशरूम कहाँ है? आते ही वॉशरूम? I'll just be back. Yeah. इसको तुम्हें दोनों गालों पे दो-दो लाफे मारो। खींच के जूता मारो इसे। इंदु, मैं इस दिन के लिए पिछले 3 साल से वेट कर रहा हूँ। उस दिन रेस्टोरेंट में किसी कमीने ने मेरी रिंग चुरा ली थी। मैंने वैसे ही रिंग ब्राजील से दोबारा मंगाई। यस, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रपोज तो मैं करके ही रहूंगा। इंदु, विल यू मैरी मी? ये सब क्या है? यहाँ किसने रख दी? ओह माय गॉड, अरे ओह माय गॉड, इसका मतलब यहाँ कोई था। मैं इनको कहाँ रखूं? ओह गॉड, इंदु ने अगर ये सब देख लिया तो मैं मारा जाऊंगा। ये क्या है? ये हाँ, वो लास्ट टाइम तुमने स्विमिंग की थी ना, इसलिए मैंने इस बार तुम्हारे लिए खरीदा। Really? अरे हाँ इंदु। तो तुमने ये सब भी मेरे लिए खरीदा? या, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। नहीं है, पर इनको बेड के नीचे क्यों रखा था? मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट है और आज शाम को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुमने तो पहले ही ढूंढ लिया। Are you sure? Promise, इंदु। I'm surprised. Actually, this is not your surprise. असली सरप्राइज तो अंदर है। Come, let's have a drink. इस प्लान के लिए शॉपिंग करके मेरे जेब की वाट लगा दी। इस सीन में पुराने कपड़ों की जरूरत थी। तुमने तो कहा था लड़कियां सुपर स्मार्ट होती हैं, बहुत तेज होती हैं। अब क्या हुआ? मेरी गलती थी जो मैंने तुम पर भरोसा किया। मारो मुझे, मैं इसी लायक हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करें? थोड़ी देर बाहर जाते हैं। हाँ, तुम्हें CCTV ले चलता हूँ। चलो चलो बाहर। अरे क्या हुआ? बस चलो, तुम और तुम्हारा घटिया प्लान। सारे सत्यानाश अध्याय फेल हो गए। अब चलो भी। चलो चलो। So, tell me now, मुझे क्या सरप्राइज देने वाले थे? या इंदु, एक्चुअली मैं पिछले 3 सालों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। So, what's next? जब तुम्हें फर्स्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा तो सॉरी, माय फोन इज रिंगिंग। या नीरजा। हेलो इंदु। क्या हुआ, इतना धीरे क्यों बात कर रही हो? थ्रोट इन्फेक्शन है, मैं कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ये तो मुझे क्यों बता रही हो, ऑफिस में लीव लेटर मेल करो। ओके, थैंक यू। स्ट्रेंज। ये तो नया भी नहीं है, पुराना है ये। क्या? ये तो गया काम से। Trust me, Indu, I'm not lying. ये सब पता नहीं यहाँ कैसे आया। तुम तो सब कुछ मेरे लिए लाए थे। That means you lied to me. No, Indu, mother promise. Just shut up. ना promise की value है ना relationship की value है। Trust me, Indu, मैं सच बोल रहा हूँ। I don't trust you. I don't want any explanations from you. I'm leaving. Indu, stop. Hey, Indu. Just shut up.
Give me cake. मैंने 3 साल तक किसी लड़की से बात तक नहीं की इंदु. No. I know you're having an affair with some other girl. No. क्या समझाया तुमने मुझे कि मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ तो ये सब मैं अनदेखा कर दूंगी. मैंने तुम्हें अश्विन के साथ अपने अफेयर के बारे में भी बताया और तुमने क्या किया, तुमने मुझसे झूठ बोला और पीठ पीछे धोखा दिया. छी, you are sick, a cheap fellow. जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना. Bloody cheater, get lost. नीरजा जी तुसी ग्रेट हो. कैसा था मेरा प्लान? ये प्लान नहीं, ये थी जोरदार जबरदस्त शानदार सर्जिकल स्ट्राइक. उसने ये काम किया ना तो उसे खत्म कर दूंगा. हाय आंटी. तुम अश्विन घर पे है? हाँ वो घर पर है, पर तुम कौन हो? फ्रेंड. अश्विन तुमसे कोई मिलने आया है. अंदर आओ बेटी. कोई बात नहीं आंटी, एक्चुअली मैं जल्दी में हूँ. अश्विन को कैसे जानती हो? एक्चुअली उसने हेल्प के लिए. हेल्प? कैसी हेल्प? कौन है माँ? हाय अश्विन. हे, तुमने कुछ कहा तो नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं. अश्विन तूने कभी बताया नहीं? माँ ये नीरजा है, नीरजा मेरी माँ. हाय आंटी. हाँ, हाँ, बेटा तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी लेकर. माँ बोलगी घर में शक्कर नहीं, मैं बाहर कॉफी पिला दूंगा. बाय. कॉफी तुम पिलाओगी? अगर मैं लेट हो जाता ना तो घर पे महाभारत हो जाता. तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ओह हेलो, सुबह से 10 बार कॉल कर चुकी हूँ. स्टूपिड. ओह शिट, मेरा फोन तो साइलेंट पे है. वैसे बात क्या थी? क्योंकि तुम्हें एक गुड न्यूज देना है. गुड न्यूज? यस. प्रेग्नेंट हो? ओए इतनी आसानी से बताने वाली नहीं. अरे यार प्लीज 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 बताओ ना प्लीज. थोड़ा और भीख मांगो. मैं पीछे से तुम्हारे पैर पड़ता हूँ. नॉट इनफ, लिटिल मोर. अच्छा बाबा हाथ जोड़ता हूँ प्लीज. कम ऑन अश्विन, नॉट इनफ. वैसे तुम सच समझो या झूठ समझो, पर मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे ज्यादा क्यूट लड़की हो. पता है इंदु ने तुम्हें बुलाया है. यस. थैंक यू नीरजा, यू आर एन एंजल. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू. हे स्टॉप स्टॉप, वैसे इंदु ने मुझे बुलाया क्यों है? जॉब देने के लिए या प्यार के लिए? मुझे नहीं पता, मिलोगे तो पूछ लेना. ये यहाँ क्या कर रहा है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर ये हमारा पीछा कर रहा है. नीरजा सिग्नल ग्रीन होते ही राइट लेना. पर हमें तो लेफ्ट जाना है. फिलहाल राइट लो. नीरजा टेक द लेफ्ट. अब इस सर्कल से राइट लेना. मेरा डाउट क्लियर हो गया, वो मुझे फॉलो कर रहा है. नीरजा गो फास्ट, स्पीड अप. लेकिन फास्ट क्यों? गो फास्ट.
किसी और लड़के के साथ प्यार में है। इंदु को भूल चुका है वो। Yeah, you're right. I think इसे फॉलो करना टाइम वेस्ट है। नीरजा बस बस बस। अरे बाप रे, मुझे लग रहा था वामसी को मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए वो हमें कब से फॉलो कर रहा था। उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब नाटक किए। सॉरी नीरजा, मैंने ऐसा करने से पहले तुम्हारी परमिशन नहीं ली, इसीलिए मैं उसे दिखाने के लिए तुमसे थोड़ा ज्यादा ही चिपक गया। सॉरी सॉरी, प्लीज हंस दो, प्लीज मेरे लिए, मेरा शो ना दोस्त, प्लीज। इंदु वेट कर रही है, जल्दी जाओ। ओके। लव, प्यार की वजह से ही मैं फेल हुआ था और उसी प्यार की वजह से मैं पास भी हुआ। एक्चुअली इंदु, उस दिन दिल्ली में जो हुआ। मैंने यहाँ तुम्हें पर्सनल बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। इंटरव्यू पैनल ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, बट हमारी कंपनी के सीईओ कॉर्पोरेट लीग को स्पॉन्सर करते हैं। जब उन्हें पता चला कि तुम स्पोर्ट्समैन हो, तो उन्होंने तुम्हें जॉब के लिए रेकमेंड कर दिया। यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। दिस इज योर आईडी कार्ड, प्रूव योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे लड्डू खा मेरी लड्डू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। यस, इंदु ने तुम्हें जॉब दिए है ना? पर उसने मुझसे हाथ तक नहीं मिलाया। पर इट्स अ चैलेंज नीरजा, अपनी पहली सैलरी से उसे बाइक पे घुमाने ले जाऊंगा और जोर जोर से ब्रेक मारूंगा। आई नो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरी लड़की हुई तो मैं उसका नाम नीर ही रखूंगा। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू नीरजा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच, लव यू। वेलकम, कांग्रेट्स, योर सीट। इस बार कप हमारे पास जरूर आएगा। अश्विन, ये दुबई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, प्लीज गो थ्रू एवरीथिंग इन डिटेल राइट अवे और सारा डेटा इनक्रिप्ट कर लेना, वेरी अर्जेंट। अगर मैं इसे कल करके दे दूं तो? ओके। तो, हे! नीरजा, अर्जेंट वर्क, वेक अप, कम ऑन, वेक अप! इस वक्त तुम? अरे यार, इंदु ने मुझे ये प्रोजेक्ट अर्जेंटली कंप्लीट करने को कहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे मुझे ये सब नहीं आता, तुम्ही को करना पड़ेगा, प्लीज। फिर भी दिल जिद पे है अड़ा,
सुबह सुबह दूध वाला भी ना तुम यहाँ नीरजा कहाँ हो तुम? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? डैड आप कब आए? अभी आया हूँ, पर ये कब आया? अरे रात में। क्या कहा? ये पूरी रात यहीं पे था। एक्चुअली अंकल, हम दोनों साथ में कुछ अर्जेंट कर रहे थे। अर्जेंट? ये सब कब से चल रहा है? ये तो फर्स्ट टाइम था। क्या? एक्चुअली पापा ऑफिस वर्क। इनकी स्पीड देख के साफ पता चल रहा है कि इन्होंने बच्चे का नाम भी रख लिया होगा। पापा, एक्चुअली ऑफिस में। हेलो माँ, है कहाँ तू और रात को घर क्यों नहीं आया? मैं एक घंटे में घर आ जाऊंगा। मैं तो कहता कि तुम्हारे पेरेंट्स बाहर गए हुए, वो आ गए हैं तो मेरी बात कराओ ना। पापा नहीं। तुम चुप रहो, मुझे दो बात करने दो, मुझे दो। हेलो बहन जी। नमस्ते भाई साहब, लेकिन आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम नागेश्वर है, नीरजा का पिता। नीरजा कौन है और आप कौन हो? और मेरा बेटा सुबह सुबह आपके घर में क्या कर रहा है? बहन जी यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। कंफ्यूज तो आप मुझे कर रहे हैं। भाई साहब बात क्या है बताइए। मेरी बेटी और आपका बेटा प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ बहन जी, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए हमें बैठ के बात करनी चाहिए। अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए फिर एक शुभ दिन तय कर लेते हैं हम। जरूर भाई साहब। हाँ बेटे अब तुम। अंकल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बाय नीरजा। बाय अंकल। मैं आए। हे अश्विन, कम कम प्लीज सिट। यस मैम, पूरा प्रोजेक्ट इस पेन ड्राइव में है। हाँ व्हाट, इतनी जल्दी हो भी गया? मैंने पूरी रात जागकर आपका काम कंप्लीट किया है मैम। आई एम इम्प्रेस्ड। कॉफी? व्हाई नॉट। लेट्स गो इन माय कार। If you don't mind, बाइक से चले, ट्रैफिक बहुत है। ओके। ए, जाओ उस लड़की को लेकर आओ। ए, ए, क्या कर रहे हो? ए, छोड़ो, छोड़ो, leave me, leave me, help, leave me, hey, help, चलो, गाड़ी में डालो। No, no, leave me, no, leave me. हेलो पुलिस स्टेशन। कम ऑन A B C D E F G H I J K L M N O P। यही गा रही थी ना थिएटर में। I like your voice, पर तुम्हारी वजह से मेरा और इंदु का ब्रेकअप हो गया। क्यों? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? अब तो इंदु को अपने सारे ड्रामे के बारे में सच सच बताएगी। Leave me alone। बिल्कुल नहीं, तेरे पास यही रास्ता है। इंदु मुझ पे भरोसा नहीं करेगी और वो अश्विन भी सच नहीं बताएगा। अब सब तू ही ठीक करेगी। ये ले फोन करके इंदु को सच सच बता। चल कर। मैं नहीं बताऊंगी। इतनी हिम्मत तेरी? हाँ
गेम ओवर, मुझे सब कुछ पता चल गया है। ए गावला, अगर मर्द का बच्चा है ना तो मुझसे फाइट कर, लड़की पे क्यों हाथ उठा रहा है? पहले मैंने तुझे फंसाया और फिर जेल भेजा, अब तुझे बहुत मारूंगा और इंदु के सामने तू सच बोलेगा। ए चल मार। ओके फाइन इंदु, अश्विन टाइम पे आ गया और उसने मुझे इससे बचा लिया। नहीं इंदु, ये दोनों मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। नो चांस, इन दोनों की तो अभी अभी एक दूसरे से पहचान हुई है। यू डोंट नो दैट। नहीं, ये सब झूठ है, दे आर फूलिंग अस। नो इंदु, ये झूठ बोल रहा है। hey, क्या चल रहा है ये? पुलिस स्टेशन में ये क्या ड्रामा कर रहे हो? नो सर, आई विल प्रूव इट, जस्ट अ सेक। देखो इंदु, सीसीटीवी फुटेज, अब तुम्हें समझ आया ना, वो थिएटर वाली लड़की यही थी। देखा इंदु? देखा ना, अब इससे ज्यादा तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? I can't believe this, निर्जा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? क्या तुम अश्विन को पहले से जानती हो? हाँ। नहीं इंदु, ये सब कुछ मैंने अश्विन के लिए नहीं, वामसी के लिए किया। What do you mean? थिएटर में उस दिन टॉयलेट में हम दोनों ही थे, उसने झूठ बोला कि उस पर कुछ बच्चों ने उस दिन परफ्यूम छिड़का था, वो परफ्यूम मेरा था। What? एक बात और, वामसी के फ्लैट में जो ब्रा मिला था वो मेरा था। वामसी ने मुझे तुम्हारे और उसके बारे में सब कुछ बताया। I don't understand. तुम अभी भी नहीं समझी? वामसी इज माई बॉयफ्रेंड। क्योंकि तुम उसे मिल गए इसलिए वो मुझे छोड़ना चाहता है। जब मैंने इसे शादी के लिए कहा तो इसने मेरा किडनैप किया। She is not my girlfriend. ये झूठ बोल रही है। ये भी अश्विन का ट्रैप है। अश्विन तुम्हें क्यों ट्रैप करेगा बताओ? क्योंकि दिल्ली में मैंने इसे फंसाया था इसलिए। तुमने इसे कब फंसाया था? अरे वो मतलब एक्चुअली इसके खिलाफ केस किया है ना, इसीलिए। सच ये है कि मैंने इसे मारा ही नहीं था, इसने खुद जख्मी होके मुझ पर झूठा केस किया। Is it true? No, इंदु, ये झूठ बोल रहा है। मेरी कसम खाओ और सच बताओ। क्या इंदु, तुम भी? God damn it, tell me the truth. So it's true. लेकिन मैं इस लड़की को नहीं जानता। Enough. Just stay away from me. तुम्हें देख कर भी मुझे घिन आ रही है। सर, मैंने इसे इस लड़की को किडनैप करते हुए खुद देखा है। आप कहेंगे तो मैं कोर्ट में गवाही देने आ जाऊंगी। क्यों रे? सर, लड़की को किडनैप करता है, इसको लॉकअप में डालो, ले सर, जाओ इसको। नो सर, अरे इंदु, ट्रस्ट मी इंदु, नो, इन पर यकीन मत करो इंदु, ले जाओ इसे, ये झूठ बोल रहे हैं। इंदु, बेटी, तुम दोनों पेपर पर साइन करो, कम। इंदु, इट्स फाइन। कम ऑन अश्विन, लेट्स गो। कम ऑन अश्विन। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स, ऑफिस, सोसाइटी का कोई ख्याल नहीं है? नहीं, उस समय
मुझे कुछ और नहीं सूझा। उस दिन मैंने स्टेशन में अश्विन का उदास चेहरा देखा जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे डर था कि अगर उसे इंदु नहीं मिली तो वो मर जाएगा। उसे मिलाने के लिए मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसे जिता के तुम खुद हारना चाहती हो? जिससे हम दिलो जान से प्यार करते हैं उसे दुखी कैसे देख सकते हैं? लेकिन तुझे तो पता है वो लोग शादी कर लेंगे और ये सब तुम सह पाओगी? वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे और ये सब देख कर तुम खुश रह पाओगी, नॉर्मल रह सकोगी? हे नीरजा। हाय। तुम यूएस जा रही हो? हाँ, ऑन साइट ऑफर। इस बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे टाइम नहीं मिला। वीजा, स्टैंपिंग, टिकट बुकिंग, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। तुम जा कब रही हो? 4 दिनों के बाद। तुम इतनी जल्दी जा रही हो नीरजा? जब जाना ही है तो यहाँ से जल्दी जाना ही बेहतर होगा। पर तुम कैसे अचानक सब कुछ छोड़कर जा सकती हो? मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली, ये ऑफिस और मेरे जैसे हैंडसम लड़के को। मुझे ना सब कुछ छोड़ने का दुख होगा, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें छोड़ रही हूँ। क्यों? तुम्हारा प्यार, इंदु और तुम्हारे बीच का गोल गोल चक्कर। गोल गोल चक्कर? जब प्यार होगा ना तब तुम अश्विन को ही याद करोगी। सच कहूँ तो तुम्हारे जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है। तुम चाहते हो मैं रुक जाऊँ? बताओ, कैंसिल कर दूँ? अरे नो, अमेरिका जाना तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स योर एम्बिशन। मैं आंसू तकिए में पूछ लूंगा, पर तुम वहाँ जाओ और खुश रहो। और जब तक तुम यहाँ हो ये अश्विन तुम्हारा गुलाम है। ओके, ये सब क्या है बेटा? मुझे नीरजा का जॉब करना पसंद नहीं है, ऊपर से तुम उसे खुद अमेरिका भेज रहे हो। अरे अंकल, वो कहीं नहीं जा रही है, वो हमारे साथ हमारे दिल में रहेगी। पर बेटा, ये अकेली वहाँ पर। अंकल मेरी बात सुनिए, मैं भी तो बहुत जल्दी यूएस जा रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ में आ जाएंगे। सो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। ओह, टाइम हो गया नीरजा, अंदर चलते हैं। बाय दादी माँ। बाय माँ। अपना ध्यान रखना बेटा। थैंक यू। बाय बाय। हाय अश्विन, गुड न्यूज, मैंने तुम्हारे बारे में डैडी को सब बता दिया। oh. और पता है वो बहुत खुश हैं। oh, really? wow, it's great. क्या ग्रेट? मैंने सुना है तुम पिछले 2 दिनों से कबड्डी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम था। देखो, तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिला है और कल ही मैच है। yeah. तुम्हें कुछ भी करके जीतना है बस। श्योर इंदु, आई विल डू इट, डोंट वरी। कबड्डी 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 कबड्डी।
इंदु 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 हे प्रिया, नीरजा से बात हुई क्या? वो कर क्या रही है? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। उसने फेसबुक इंस्टा से भी डीपी हटा ली है। उसे गए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। इतना जल्दी कोई कैसे भूल सकता है? तुम्हें तुम्हारी इंदु मिल गई ना, तो अब नीरजा का पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम कहना क्या चाहती हो मैं समझा नहीं। तुम नहीं समझे, तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तुमने उसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी वजह से उसके अंदर एहसास जागे। पता नहीं क्या क्या सपने देखने लगी थी प्रिया। हाँ ये सच है, वो तुम्हें अवॉइड करने के लिए अमेरिका गई है। क्या अब भी तुम उसका पीछा करोगे? कम से कम वहाँ तो उसे शांति से रहने दो प्लीज। तुमने उसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी वजह से उसके अंदर एहसास जागे। पता नहीं क्या क्या सपने देखने लगी थी। वो तुम्हें अवॉइड करने के लिए अमेरिका गई है। क्या अब भी तुम उसका पीछा करोगे? जाने जा, ढूंढूं मैं तुझको कहां, तू छोड़ गया तन्हा मुझे। हर जगह तेरी कमी, जाने जा मैं पागल हुआ तेरे बिना। मुझसे लिपटी है बेलों सी तेरी यादें, कैसे दिल भूले वो। वामसी के फ्लैट में जो ब्रा मिला था वो मेरा था। सच कहूँ तो तुम्हारे जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है। तुम चाहते हो मैं रुक जाऊँ? बताओ, कैंसिल कर दूँ? तारों के जैसे टूटे हैं सपने, हारा है ये दिल अब कुछ ना बस में। तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। मीट माय डॉटर। नमस्ते नमस्ते। एंड दिस इज मूर्ति अंकल। सुनिए जी। हाँ। अश्विन आया है। अश्विन, वेलकम वेलकम अश्विन, हार्टली वेलकम। डियर फ्रेंड्स, अटेंशन प्लीज, दिस इज अश्विन, अ ग्रेट लवर।
इसने साबित कर दिया कि अगर एक लवर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी इससे करवाने का फैसला किया है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारा इंसल्ट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया था, और मैं सच कहूँ तो मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी अश्विन। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए अंकल, आपको, अपने पेरेंट्स को, और स्पेशली मैं इंदू को सॉरी बोलने आया हूँ। इसे वापस रख लो इंदू। जब तुमने ये रिंग मुझे पहनाई थी, मुझे ऐसा लगा तुम मेरे सपनों की रानी हो, लेकिन अब तुम मेरे सपनों की रानी नहीं हो। तुम्हारे प्यार के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं अपने सच्चे प्यार से टकरा गया, नीरजा से। तुमसे मिलाने के लिए नीरजा ने क्या क्या नहीं किया इंदू, मेरी जॉब, मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना, सब उसकी बदौलत है। और तो और, मेरे लिए उसने तुम्हारा और वामसी का ब्रेकअप करवाया। उस दिन पुलिस स्टेशन में नीरजा ने जो भी कहा वो सब झूठ था जो उसने मेरे लिए कहा। नीरजा ने मुझे तो काबिल इंसान बना दिया, पर वो अपने प्यार को छोड़ के चली गई तुम्हारी खातिर। पहले हर जगह मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता था, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही बसी थी, और अब जब मैं आंखें बंद करता हूँ और अपने दिल की बात सुनता हूँ तो उसमें सिर्फ नीरजा है। याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि लोग बदलते हैं, चेंज इज नेचुरल, यू ओनली टोल्ड मी, लेकिन तब मैं नहीं समझा था, पर आज मैं अच्छे से समझ गया। आई हैव ऑल्सो चेंज्ड। अब मुझे हर जगह सिर्फ नीरजा ही दिखाई देती है। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारे साथ साथ मैं खुद को भी धोखा दूंगा जो मैं नहीं चाहता, और ये नीरजा के सच्चे प्यार के साथ भी बहुत अन्याय होगा। जैसे नीरजा मेरे लिए जान दे सकती है इंदू, ठीक वैसे ही वामसी तुम्हारे लिए दे सकता है, और इसीलिए मैं वामसी को अपने साथ लाया हूं। प्लीज इंदू, मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि मेरी खुशी नीरजा है, तुम नहीं हो इंदू। What the hell is this, Ashwin? Please रुक जाइए। Great, that's wonderful. Dad, ये सारे great lovers हैं, अश्विन, नीरजा, वामसी। लेकिन मैं selfish, practical, emotionless, पत्थर दिल। मेरी life में किसी चीज का balance नहीं है। अश्विन से ब्रेकअप हुआ तो वामसी के पास चली गई, वामसी पर डाउट हुआ तो अश्विन के पास आ गई। मैं लाइफ में हमेशा सिर्फ सक्सेस के पीछे ही भागी, प्यार के पीछे भागती तो शायद इसमें भी सक्सेसफुल होती। तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए फॉर मेकिंग मी रियलाइज माई मिस्टेक्स। अब जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। Air India, sir. Yeah, 23A. There it is. That one? Thanks. Oh. Ma, hi ma. हाँ मैं फ्लाइट में बैठ गया हूँ। हाँ माँ, डोंट वरी, तुम बस थाली सजा के रखो, मैं फट से अमेरिका गया और झट से तुम्हारी बहू को लेके आया। ओके, टेक ऑफ होने वाला है, मैं बाद में बात करता हूँ माँ। हाय सर। हाय। लव स्टोरी है? हाँ सर, वेरी इंटरेस्टिंग। If you don't mind, तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओगे? Okay, sir, day one, scene one. और sir, location, temple.